तो मैं इस गाड़ी को ना गाड़ियों में ऐश्वर्या राय बोलता हूँ। ऐश्वर्या मैम पोल डांस करेंगे तो फिर सब उसी पे जाएंगे, तो फिर बिपाशा मैम को नहीं देखेंगे ना। 2 साल की बुकिंग के बाद इस पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया कि भैया मेरे को पहले दे दे। ओके। गाड़ी देंगे तो अपना एक्सेसरीज का सेट लगा के देंगे। अच्छा, आप मना नहीं कर सकते हैं? नहीं, मना करोगे गाड़ी मना कर देते हैं। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आए हैं आपके लिए स्पेशली मोहित जी को लेके, और मोहित जी बहुत दूर से आए हैं अपनी लेजेंडर लेके आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये डाउट क्लियर करेंगे जो लोग स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं दोस्त, कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए अगर आपका बजट है ये गाड़ी खरीदने का। तो दूसरा हम आपसे ये बात करेंगे कि इतनी हाई प्राइस होने के बावजूद भी ये गाड़ी क्यों कंसिडर की जाती है, मोहित जी के क्या रीज़न है कि उन्होंने इस कार को कंसिडर किया, और इनके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो हमसे शेयर कर चुके हैं लेकिन हम आपसे भी जरूर शेयर करेंगे, और बताएंगे इनकी ब्यूटीफुल जर्नी टुवर्ड्स दिस लेजेंडर। तो अब करते हैं स्टार्ट और करते हैं बातें मोहित जी से। वन बाय वन सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी भी क्वेरी क्लियर करेंगे, अपनी भी करेंगे। अच्छा मोहित जी, सबसे पहला क्वेश्चन पैसों से ही लेके करते हैं। ठीक है, कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी, आपने खरीदी कब है? मैंने खरीदी है मैम 1 अगस्त 2022 को। अच्छा, अभी रिसेंट आपका परचेज है। कितने की पड़ती है ये? इसने मुझे कॉस्ट किया समवेयर अराउंड 57.5 ऑन रोड। ओके, हम 50 लाख कर रहे थे, अभी ये सिर्फ 57 पे आ चुकी है। इसने ऑन रोड 57.5 कॉस्ट किया है, एट होम 67.5 कॉस्ट किया है। कैसे मैम? इसमें 3 चीज़ों की कमी लगती है प्रैक्टिकली। वैसे वो कमी नहीं है बट शौक है वो। एक म्यूजिक सिस्टम, दूसरा इसमें 360, तीसरा इसमें सनरूफ। और जब आप इस ऑरा की गाड़ी ला रहे हो तो मेरा पर्सनल मानना है कि नंबर भी मुझे बढ़िया चाहिए। अच्छा, ओके, आपका नंबर 2 है, मेरा भी कार का नंबर 2 है। मैं आपको देख के ही 2 नंबर लाया हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें मैम क्या था, ये गाड़ी मैंने 2 साल पहले बुक करी थी। ओके। तब ये 4x2 में आया करती थी, पहले नॉर्मल फॉर्च्यूनर थी, उसके बाद जब लेजेंडर आई, इसका फेस लेजेंडर को देख के बिल्कुल एक ये लगता है कि इट्स द एपिटोम इन SUVs। इस सेगमेंट में, इस लुक में मुझे पर्सनली कोई और गाड़ी नहीं भाती। आप कंपेयर करो इससे अपना फोर्ड की एंडेवर से, और कोई सेगमेंट में नहीं। MG को तो देखो, आई पर्सनली डोंट लाइक एट ऑल। MG थोड़ा साइड में हो जाता है हमारा, इसलिए साइड में हो जाता है। पता नहीं 2-4 साल बाद वो कंपनी भी रहेगी नहीं रहेगी, मतलब जब फोर्ड जैसी कंपनी चली गई तो MG का तो क्या कहे। एंड टोयोटा का मैम क्या है, इसका मीन मतलब रिलायबिलिटी। हम 8-9 साल से तो टोयोटा यूज कर रहे हैं। मेरे पास टोयोटा करोला, एंड वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दैट कार। टोयोटा की कोई भी आए फिर ले लो। तो इस चलते हमने टोयोटा की ये बुक कराई फॉर्च्यूनर। इसमें जिस दिन डिलीवरी होनी थी, मेरी 4x2 की डिलीवरी होनी थी, उस दिन नोटिफिकेशन आ गई 4x4 भी आ रही है, तो उसको कैंसिल किया, फिर 4x4 किया। अब इस गाड़ी का हाइप इतना है प्रैक्टिकली, और ये लोगों के बीच में इतनी पसंद की जाती है कि लोग बक्सा लेके बैठे होते हैं कि मुझे पहले दे दे। दूसरे की बुकिंग काटते हैं, प्रीमियम देने को तैयार होते हैं, प्रीमियम देते हैं, अब गाड़ी दे दीजिए। मैंने 2 साल की बुकिंग के बाद इस पे 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया कि भैया मेरे को पहले दे दे। ओके। तो छोटे छोटे पैसे जुड़ जुड़ के ये कास्ट इतने तक की पहुंच जाती है। तो डीलर को छोटे छोटे पैसे तो नहीं जुड़ते सर, अच्छे खासे पैसे जुड़ते हैं। मैम जब आप लेने ये जा रहे हो, शौक इसका है, और आपके आगे आपका नंबर कट जाएगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आप सोचते नहीं है। मेरे डीलर ने कहा भैया यही एक गाड़ी है, दूसरे की काट के दूंगा, एक का प्रीमियम लूंगा। मैं भैया ले ले और दे दे, जब गाड़ी चढ़ मेरे नाम पे जाएगी फिर तो किसी के पास नहीं जानी। अब मैम इसको लेने से 6 महीने पहले मैंने एक एक्सरसाइज शुरू करी कि नंबर लेना है। आपने भी ये करा था 0002 लेके, तो उसको देखे देखे अब दिल्ली में क्या है, बेसिकली रिजर्व प्राइस है 3 लाख का, उसके बाद आपकी बोलियाँ हैं। तो मैं पीछे 6 महीने से इस बोली में लगता था, हर बार फेल हो जाता था, कभी नंबर 4 लाख पे जा रहा है, कभी 5 लाख पे जा रहा है। तो इस बार थोड़ी सी बातचीत करके 3.5 पे नंबर लिया, नंबर 0002 हमें मिल गया, लेकिन सीरीज़ नहीं मिली। अब वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर सीरीज़ कोई बेकार सी दे देंगे तो वो नंबर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर अथॉरिटी में बात करके वहाँ से ये नंबर मिला, तो 5 लाख तो बढ़ गए नंबर के, और मोटा मोटा 5 लाख के अप्रॉक्स का ही नंबर, 5 लाख का नंबर मिला। 5 लाख का नंबर मिलने के बाद अगले 5 लाख के आसपास पैसे लग गए आपके एक्सेसरीज में, जिसमें कि आपने म्यूजिक सिस्टम पूरा प्रॉपर ये मैंने कराया दीदी कारमेन से। अच्छा, दे आर नॉन फॉर क्वालिटी एक्सेसरीज, काफी फेमस है, राइट? तो उन्होंने पूरी कार में जेल ऑडियो का बनाया सारा। कितने पैसे लिए उस चीज के उन्होंने? 4,75,000 उस चीज के थे, म्यूजिक सिस्टम के लिए। ओके, बट आज की डेट में हम म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं अपनी गाड़ी का, तो तसल्ली होती है कि कुछ सुन रहे हैं।
प्लस फिर उसके बाद जो दो और कमी थी, एक डैश कैम की, एक 360 की, वो भी उन्होंने कर दिया। तो ओवरऑल अब मेरी गाड़ी बिल्कुल मतलब अप्रॉक्सिमेटली आपने 475 और ये आपका डैश कैम और ये आपका 360 डिग्री के लिए इतना कितना और खर्च? 5.5 लाख। 5.5 लाख प्लस 5 लाख, मतलब ये तभी आप 67 लाख बोल रहे हो। बिल्कुल 67 लाख की ये गाड़ी पड़ी है इनको लेजेंडर, जिसमें अब नेक्स्ट लेवल का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी एक्सेप्ट द सनरूफ, वो आपको चाहिए नहीं, आपके पास दूसरी कारों के अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सनरूफ प्रैक्टिकली दिल्ली में नहीं खोली जाती। हाँ, सनरूफ का एक क्रेज अच्छा है कि आप उसका कर्टन हटा दो, ऊपर से सनलाइट जब आती है, अलग लेवल का क्रेज आता है। पूरा हम लोग खोलते नहीं है क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतनी सब चीजें हैं। ग्लास से सनलाइट आती है, उससे एक और अलग लगता है। वो भी नई वाली आ रही है ना, वो ले लेंगे, बदलेंगे नहीं, उसको भी ले लेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने टोयोटा की करोला चलाई है, आपने कैमरी क्यों नहीं कंसीडर की? वो भी काफी अच्छी कार है। कैमरी मैंने कंसीडर करी थी इस गाड़ी से, एक्चुअली मुझे चाहिए थी एसयूवी, और जो करोला है वो यूज करते हैं मेरे पापा, पापा को वही चाहिए सेडान ही। लेकिन कैमरी के साथ समस्या क्या आ रही है, वो उसकी और इसकी रेंज बराबर है। हाँ, वो भी इतने की पड़ती है, इतने की पड़ती है। उसके अंदर सेमीकंडक्टर की इतनी शॉर्टेज आ रही है, गाड़ी 3-4 महीने बाद मिल रही है। फिर जब आप 50 लाख खर्च देते हो और फिर ये फिर नहीं मिलेगी, फिर वही दिक्कत आएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, हमारे यहाँ ना पिताजी अपने मूड से दिला देते हैं गाड़ी। ओके। और जब कभी गाड़ी लेनी होती है तो हम उनकी करोला में ना थोड़ा थोड़ा सा खराबी कर देते हैं। अच्छा, कि भाई अब पापा गाड़ी लानी है, करोला निकालनी है, निकालनी नहीं होती हमें। पापा की बात पर ट्रैक्टर आ गया है क्या? हमारे ना पिताजी बड़े एक मूडी किस्म के इंसान है, उनका कहना है जब हाँ कर दी ले लो, और हमें भी है कि उन्होंने हाँ कर दी तो ले लो, चाहे अल्टो ले आओ। अब बोलते हैं बेवकूफ हो, खाम खा ला के खड़ी कर दी 4-4 गाड़ियाँ। अब चलाने वाले कितने हैं? एक आप चलाते हैं, एक अंकल चलाते हैं, एक पापा, एक पूजा, एक पूजा मैम चलाती हैं। पूजा मैम से भी मिलवाते हैं आपको, आइए मैम। अच्छा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। एक तो ये दोनों वैसे बहुत ज्यादा स्वीट है, दूसरा ये दोनों सीए हैं। तो ये आपका इनकम टैक्स, ये जो मुझे काफी लोग मुझे बहुत लिखते हैं, मैम इनकम टैक्स वालों को भेजते, तो यार मेरे पास ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ये दोनों हैं मैम। पूजा, अपना आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस 2006। आई एम हैप्पीली मैरिड विद माय वेरी क्यूट हस्बैंड। आई हैव टू लवली डॉटर्स, कश्वी एंड आव्या। दे बोथ आर कीन टू कम इन द स्क्रीन। आ जाओ। टू लवली डॉटर्स। I have been working since 2006. I worked with ICICI Bank and then Kotak Mahindra Bank, and then I came into practice. I have been elected as the vice chairperson of NIRC of ICAI. Wow. I'd worked as secretary of ICAI. तो पूजा मैम ने अपना सीए वाला दिमाग ना थोड़ा पॉलिटिकली चलाया, कि जैसे ही पापा ने बोला ना कि ये गाड़ी वाला थोड़ी बड़ी ले लो, कि हाँ हाँ लेजेंडर ले लेते हैं ना पापा, क्यों नहीं ले रहे हो। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे आपके बच्चे हैं दोनों। आपका नाम क्या है? आव्या। और आव्या तो फर्स्ट में ही पढ़ती है, वो इतनी ज्यादा छोटी और इतनी ज्यादा क्यूट है, और ये थोड़ी सी बड़ी है। और इनका क्या नाम है? कश्वी। कश्वी, और कश्वी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? सेकंड में। वाओ, चलो, गॉड ब्लेस यू। ओके। अच्छा मोहित जी, एक चीज आप मुझे बताइए, आपके पास मतलब बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टोयोटा कार का, आपने करोला काफी साल चलाई है, उसका आपका कितना मेंटेनेंस आता था? हम बड़ी तारीफ करते हैं इस कार की, कहते हैं यार एक बार पैसे लगाओ फिर मेंटेनेंस नहीं है। आता ही नहीं, नहीं आता है। कितना आता ही नहीं है, मतलब मैं ड्राइवर को 5,000 देके भेजता हूँ तो उसमें पैसे बचा लाता है। है ना, तो काफी रीजनेबल, तो फ्री के भाव चलती है गाड़ी। राइट, सेम इज विद दिस, ये भी ऐसी ही है, इसमें भी आपके बहुत ही ज्यादा कम पैसे लगेंगे, आपको एक बार पैसा लगाना है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि ओवर प्राइस है। अच्छा मोहित, आपने भी दूसरे बजट की कार्स देखी थी, आई मीन दूसरे ब्रांड की कार्स देखी थी। BMW में भी गाड़ी आ जाती है 50 लाख में, आप ऑडी में भी जा सकते थे, आप मर्सिडीज में भी जा सकते थे, तो आपने वो क्यों नहीं ली? वाई दिस? मैम ऐसा है, हम सेवक कैटेगरी के आदमी है। अच्छा, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर बड़ा रूल करते हैं सब कुछ, नहीं नहीं, अगर हम लोग BMW और इन सब में चलना शुरू कर देंगे तो हमारे स्वामी किस में चलेंगे? तो स्वामी जब BMI और बात में चल रहे तो सेवकों के लिए यही ठीक है। अच्छा, ये माइंडसेट है आपने, बस मतलब आपने जानबूझ के ये लिया है? नहीं, जानबूझ के नहीं। इस जैसी गाड़ी उन सेगमेंट में वन प्लस की है, राइट, रादर उसमें भी नहीं है, राइट। या तो आप GLS पे जाओगे जब इतना स्पेस चाहिए तो, या Q7 इस पे जाओगे आपका X7 पे। Q7 में वो स्पेस नहीं, Q7 मैंने कंसिडर करी थी, उसकी जो सबसे पीछे वाली सीट है उसमें स्पेस नहीं है। अब उन्होंने काफी उसको बेकार सा कर दिया, वो नहीं अच्छी रही कार। अब उसमें स्पेस ही नहीं है प्रैक्टिकली। Q8 देखी थी आपने? Q8 देखी थी, वो 5-सीटर है। वो 5-सीटर है, उसमें क्या करें, बट पावर बहुत है उसमें। नहीं, हमें तो चाहिए नहीं इतनी पावर। आपको जगह चाहिए कि मेरे बच्चे, मम्मी पापा सब आराम से हैं। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे पापा मम्मी मेरे बच्चे और
मेरी भाई, हम लोग इजीली बैठ के चले। जिस दिन ये गाड़ी आई, मेरी छोटी गुड़िया मम्मी को बोलती है कि दादी अब हम भिचेंगे नहीं इस गाड़ी में। तो ये एक ड्रीम कार थी काफ़ी समय से, प्लस आप जब अपर सेगमेंट पे अपग्रेड भी करते तो ये गाड़ी हर बंदा रखना चाहता है, टोयोटा की, चाहे वो इनोवा हो चाहे आपकी फॉर्चुनर हो, हर आदमी चाहता है अपने पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, तो मतलब आपने बजट आपका हो सकता था बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इस कार को चूज किया। हाँ जी। यहाँ पर आपके सारे पर्पस सॉल्व हो गए। सब नंबर वन, आपका स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको नहीं। कोई बैठने में दिक्कत नहीं, आप किसी भी सारे लोग लास्ट रो में भी आई थिंक बहुत सारी जगह है, इसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होती, बच्चे ही बैठते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वहाँ पे वो ना बहुत एरी सा कैबिन है, बंद बंद आपको सफोकेशन नहीं होता, सफोकेशन नहीं। प्लस टोयोटा में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रिलायबिलिटी। मैं जब अपनी फैमिली का जा रहा हूँ ना, मैं बड़ा पीस ऑफ माइंड पर कामली रहता हूँ कि एक ना आई मीन सेफ हैंड्स। राइट। और इंजन भी बहुत अच्छा खासा इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है इसका, बहुत अच्छा आपको पावर एंड टॉर्क देता है। मतलब आपको कहीं पर भी ना इस कार में मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज, आपको लग रहा है चल क्यों नहीं रही या क्या हो रहा है ना, नो कॉम्प्रोमाइज कार है। और जीरो नॉनसेंस फीचर कार भी इसे कहा जाता है, वो आपको हमेशा वो बताते हैं यार सनरूफ हम क्यों नहीं देते, आपको बता चुके हैं 1000 बार, तो वो एक रीजन है टोयोटा का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर छोटा सा भी दे देंगे फिर पैसे बढ़ा देंगे यार, बहुत बड़ा नहीं, मत दो मत दो, हमें नहीं चाहिए, आप दो ना, वो बहुत महंगी करेंगे, आने दो ना, इसके फॉलोअर्स इसका क्रेज इतना ही है, उसको और 10 लाख महंगी कर देंगे फिर भी लेंगे लोग। कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो इस बजट तक तो आ जाते हैं, फिर उनका और ऊपर नहीं जा पाते। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर इसमें और 5 लाख बढ़ा के सनरूफ देंगे, आप सीए हैं, आपसे क्या ये, आपसे हम कैसे कंपैरिजन करें, हम मामूली लोगों की बात कर रहे हैं, दुनिया तैयार है मैम इसके लिए, तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, ओवर प्राइस लगेगी मैम। अभी कई लोग कहते हैं कि भाई सेफ्टी कंसर्न की वजह से नहीं देते ये इसमें सनरूफ, हाई राइडर में दे तो दी, हाई राइडर में दे, उसमें क्या वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करी है क्या, नहीं करी, तो ये तो सिर्फ पैसे की बात है, जितना पैसा बढ़ाओगे भी आता है इनकी हर कार में, नहीं उसमें छोटा देते हैं, छोटा सा है। अभी उसमें पैनोरामिक दिया इन्होंने, तो जब इसमें देंगे तो इसकी तो महिमा ही अलग हो जाएगी मैम। देखो मैं इस गाड़ी को ना गाड़ियों में ऐश्वर्या राय बोलता हूँ। अच्छा। इसमें सिर्फ एक कमी है, कमी नहीं मतलब वो एक फीचर मिसिंग है सनरूफ का, और जो बाकी गाड़ियों में वो है उसको कह लो बिपाशा बासु, जब इसमें आ गई वो सनरूफ तो फिर बिपाशा मैम को नहीं देखेंगे ना, ऐश्वर्या मैम पोल डांस करेंगे तो सिर्फ सब उसी पे जाएंगे। ओके, क्या बात है, ऐसा हमें एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला था, थैंक यू मोहित, थैंक यू सर, अब पता चल रहा है, मैं और क्लैरिटी आ रही है कि हाँ यार सी ए ही है आप लोग कैसे ना। अच्छा, एक मुझे अब आपके काम से रिलेटेड पूछना था कि जैसे आप टैक्स वगैरह की चीज़ें करते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे लोन पे कुछ मत लो। राइट। और आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू इस चीज पे होती है, सब कुछ लोन पे लो, बिल्कुल अपने पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करो। भाई मेरा सीए तो मुझे कुछ भी एक भी चीज ऐसा कुछ भी नहीं होता कि छोटी सी चीज भी ले, नहीं नहीं मैम इसके ऊपर लोन लेंगे, क्योंकि हमारा सीधा एक्सपेंस में जाता है, हमें इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है। जो आपका प्रिंसिपल है वो कट गया, इंटरेस्ट का अलग बेनिफिट मिल गया, ठीक है, टैक्स बेनिफिट अलग लोगे, डेप्रिशिएट हुई वो भी बेनिफिट है, प्लस इसके बाद गाड़ी खर्चों में क्लेम हो जाती है, जब खत्म हो जाएगी डेप्रिशिएट आपके टैक्सेस बचेंगे, और उसके अलावा जो आपका अपना पैसा जो आप खर्च कर रहे हो उसको फर्दर इन्वेस्ट करो ना, जितना पैसा आप यहाँ ब्याज में दोगे उससे मल्टी टाइम्स वो आपको अर्न करके दे देगा, अर्न करके देगा, बिल्कुल। तो देखो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल प्लानिंग, और एक एक पैसा जोड़े जाओ, कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपका पैसा जब इन्वेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, दैट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। राइट राइट, उसका फायदा अलग आता है। मैं हमेशा हाफ हाफ करती हूँ, चाहे कितने भी बजट की कार है हाफ को मैं पे कर देती हूँ, हाफ का मैं लोन कराती हूँ, और उसके बाद जो मैंने हाफ वो बचाया है, और हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ होती है कि जितना भी मैंने लोन कराया है उतना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, मेरे को वो मेंटल एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है हमेशा, मुझे डर लगता है कि यार कल को मान लो कोई कुछ हो जाए और मेरे पास वो पैसे ना हो देने के लिए, तो इसलिए वो इतना अमाउंट मेरे पास हमेशा होता है। और फिर फर्दर मेरे को लगता है यार किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मुझे पता है यार एक्सप्रेस वे पे रेट बढ़ने वाले हैं, ये होने वाला है वो होने वाला, तो खरीद के रख देते हैं कि चलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और सवाल यहाँ पर आता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज़ वेरी लो, लेकिन गाड़ी पहले से ही इतनी महंगी है, तो आपने पैसा कहाँ बचाया, तो इस पर आप बताइए। ये गाड़ी महंगी कहाँ है पहले ये बताओ, आप इसके सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ले लो, उनमें और इसमें 2-3 लाख रुपए का फर्क है एट द मैक्स। राइट। प्लस उस 2-3 लाख के फर्क में जब आपको पीस ऑफ माइंड मिल रही है, आप देखो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, किसी भी हाईवे पे मेरी गाड़ी स्टक डाउन हो गई विदाउट नेमिंग द ब्रांड, बहुत स्मार्ट कार है, बहुत उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट मैं उन फीचर्स का क्या करूँ जब रोड को मुझे धक्का मारना पड़ जाएगा। तो प्लस महिंद्रा की गाड़ी बहुत अच्छी है, बट जो इसका ऑरा है, इसकी एक पीस ऑफ माइंड है, इसकी मतलब टोयोटा इज नोन फॉर रिलायबिलिटी। मैं घर से चलूँगा तो मुझे
दिमाग में तसल्ली है कि मैं बड़े आराम से जाऊंगा, सुकून से सेफली जाऊंगा और सेफली आ जाऊंगा। बाकी गाड़ियों में नहीं आती मैम, बहुत ड्यूरेबल रिलायबल इस तरीके का व्हीकल है ये। आइए मैम आपको, चलिए मोहित अब आपका सिस्टम देखेंगे। 4.75 लाख का म्यूजिक सिस्टम इस कार के अंदर लगा, ये उसे देखते हैं। अच्छा मोहित जी अब आप बताइए मुझे, आपने जो ये सिस्टम लगाया इट इज ऑफ 4.75, ठीक है, कारमैन से आपने लगवाया, उनका काम बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताइए उसने लगाया क्या क्या, कितने स्पीकर हैं, सबवूफर जरूर लगाया होगा, क्या क्या चीज़ें लगाई हैं? एक्चुअली क्या था, उन्होंने पहले ये पूछा कि भाई आप इसमें किस तरह की साउंड क्वालिटी चाहते हो, राइट, इसमें ढमढम सुननी है, क्लैरिटी सुननी है, क्या करना है? तो हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुननी है। मैं वॉइस को 2 नंबर पे सुनूं या 20 नंबर पे सुनूं, क्लैरिटी आनी चाहिए, वो ढोल ढमाल नहीं आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए वो स्कॉर्पियो वाला म्यूज़िक आ गया। देन ही सजेस्टेड मी कि गो फॉर जेल ऑडियो। अब उन्होंने चारों तो कंपोनेंट्स मेरे चेंज करे, प्लस उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मिड रेंज C7 सजेस्ट करी कि ये लगवा लो, साउंड क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। जब आप अपने लेवल के साउंड चाह रहे हो और उसकी क्लैरिटी चाहते हो तो डोंट लुक आफ्टर मनी। मैं कहा चलो भैया एक बार आप अपने लेवल से करो, इसको बनाओ, देखते हैं क्या बनाते हो। एक बार इसकी आवाज सुनेंगे। हमने तो कभी सुने भी नहीं। आपको धमधम नहीं सुननी, हमें धमधम ही सुननी है। मेरे तो लेवल से बाहर के हैं ये। और कुछ कराया आपने म्यूजिक सिस्टम के अलावा? म्यूजिक सिस्टम के अलावा कार में इन्होंने डैश कैम लगाया। ओके। हाय आई रोड कनेक्टेड है, तो इसकी क्लैरिटी इज लाइक एनीथिंग। सीरियसली तो बहुत क्लैरिटी है इसमें, मतलब अल्ट्रा एचडी क्वालिटी है, फ्रंट की भी बैक की भी। ऑलराइट वेरी नाइस। अच्छा ये इन्होंने इंस्टॉल किया है आपका? काफ़ी समय से इसकी डिमांड कर रहा था मैं भैया से कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम दे दो जो लाइव भी आता हो, जैसे कैंट है, बट कैंट में सर्विस नहीं मिलती मैम। इसमें इसका कितना प्राइस है? 28,000 का ये है। इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी बाकी है। अपने कैमरा भी लगवाया है? हाँ, रिवर्स में दिखाई है हमें, 360 डिग्री हमारा कैमरा आ गया, उसकी भी काफी अच्छी क्लैरिटी है। और इसमें आपका वो भी होगा जब लेफ्ट राइट इंडिकेटर देंगे, राइट इंडिकेटर का आया मैम और ये लेफ्ट का। चलिए अब आते हैं मोहित साइड में, ये आपने लगवाया होगा, एक्सेसरी का पार्ट होगा। हाँ ये कोरला वालों ने, उन्होंने ही लगा के दिया था, गैलेक्सी वालों ने। एक्चुअली उनका ना एक सिस्टम होता है, गाड़ी देंगे तो अपना एक्सेसरीज का सेट लगा के देंगे। अच्छा आप मना नहीं कर सकते हैं? नहीं आप मना करोगे गाड़ी मना कर देते हैं। प्लस एक और चीज होती है उनकी, फर्स्ट कंडीशन होती है लेजेंडर देंगे, इंश्योरेंस हमसे करानी है। अच्छा अगर आप वो इंश्योरेंस छोड़ोगे तो वो आनाकानी करेंगे, फिर उसमें ये कहेंगे एक्सेसरीज आप हमसे लगवाओ, बरता क्या आना करता, लेनी तो है ही, करवाना। बट इंश्योरेंस बाहर से मुझे लगता है काफी हमें रीजनेबल पड़ती है, हां बहुत सस्ती पड़ती है। अच्छा इसके अलॉयज वगैरह के लिए आपने नहीं सोचा आजकल? तो वो इस पे बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फैक्ट्री फिटेड बड़ी परफेक्ट प्यारी चीज है, राइट। अच्छा अभी तक एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी? अप्रॉक्सीमेटली 8-9 के बीच में दिल्ली में, और हाईवे पे एक दो बार गए हैं वहाँ पे 10-10.5 10-10.5 दे देती है। गेम है वो स्टेल्थ बॉक्स। ओह वाओ इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी वॉइस क्लैरिटी देता है। लवली। बाकी ये तो हमारा स्टोर रूम बना के रखते हैं हम लास्ट पर। हाँ, वो तो इसमें है ही जरूरत, पर मुझे लगता है इस सेगमेंट में ना अगर हम इनोवा की तरफ जाएं, अगर सिटिंग की बात करें तो इनोवा सबसे बेस्ट हमें स्पेस देता है। इनोवा का सिटिंग स्पेस आप कंपेयर नहीं कर सकते इससे, इनोवा इज आउट ऑफ द लीग कार। लेकिन बस इनोवा में क्या होता है, पापा को भी और पूजा को भी ये लगती है यार ये तो टैक्सी में चल रही है, ये दिल तोड़ देती है। हालांकि दिल नहीं तोड़ना चाहिए, वो गाड़ी इससे बहुत अच्छी है, जो उसका इंग्रेस और आउटरेस है वो इससे फार मोर बेटर है, लेकिन ऑरा जो है खुद चलाने के लिए वो इसी। मेरी भी स्कॉर्पियो भी बुकड है। अच्छा लेकिन बस उसमें क्या था, स्कॉर्पियो मैंने इसलिए बुक कराई थी कि अगर ये कोरोला वाले नहीं देंगे टोयोटा वाले तो 2 नंबर नहीं बेकार करना, स्कॉर्पियो ले आऊंगा। हाँ, नंबर वेस्ट हो जाता, नंबर वेस्ट हो जाता। राइट तो अभी वो स्कॉर्पियो रखी है, वो मेरा फ्रेंड लेके मुझे लग रहा है जो आपको इन्होंने थोड़ा सा वो भी किया ना, इतने पैसे दो इतने पैसे दो, नंबर के चक्कर में किया है, नंबर ने फंसा दिया आपको। उन्हें पता है इसका नंबर मर जाएगा, इससे पैसे ले लो, 3 महीने में है, इसके पास टाइम उतना है, तो जैसे मर्जी कर लो। ये चीज आपने बताया क्यों उन्हें कि मेरा नंबर आ गया है? नंबर तो देना पड़ेगा। अगर आप नंबर नहीं दोगे और उन्होंने किसी और XYZ नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दी तो मेहनत सारी चीजें तो हमें, हाँ ये यार फंस जाते हैं, वो लूप है। उन्हें भी पता है कटने वाला मुर्गा काटे वो सही काटो इसे। तो चलिए दोस्त फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।